हमारे सीने और हमारे विद्यालय में पहली बार इसका पदार्पण हुआ है। आशीर्वाद कृपा रहे और हमारा विद्यालय का साथ रहेगा, साथ उठाए रहे। और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स एक ग्रुप के पर्यावरण और अन्य की जिम्मेदारी रहती है, हरियाणा कुछ विभाग का ये ग्रुप के रूप में एक प्राप्त किया जाता है। इतना ही, हमें बताएं कि यह दिवस क्यों रखा गया है। धन्यवाद। आज जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई अजय कुमार सिंह, हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल सचमंजी स्कूल के प्रिंसिपल फादर फेडरिक खाका, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी, आप सभी यहाँ उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं, स्कूल प्रबंधक के कर्मचारियों और आप छात्र छात्राओं को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम कृमि मुक्ति दिवस मना रहे हैं। मुक्ति का अर्थ क्या है? छुटकारा। कृमि मुक्ति, ये पैरासाइट होते हैं जो हमारे हाथों में हमारे पेट में पड़ते हैं। ये करते क्या है? ये हमारे शरीर के पौष्टिक आहार को खाकर जिंदा रहते हैं, शरीर से खून चूसते हैं। और पाया गया है कि हमारे झारखंड में या कहा जाए इस एरिया में हमारे बालिका बालिकाओं में 60% से अधिक लोग मैं एनेमिक होते हैं। इसका मुख्य कारण यही है, ये बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ एनेमिक होने का, ये कृमि। आज हम इसी कृमि से मुक्ति का हम लोग एक दिवस मना रहे हैं। इसमें करना क्या है? एक गोली आती है अल्बेंडाजोल की, इस गोली को एक टैबलेट हम लोग खाते हैं, सारे एक साथ खाते हैं। कहे कि एक ही साथ सारे को हम लोग जिसे दीवान करते हैं, दीवान करना होता है। दीवान होने से सारे ये दवा क्या करते हैं, उसको निष्क्रिय कर जाते हैं, ये मन से निकल जाते हैं, ये फिर फैलते नहीं। ये कृमि अगर ऐसे प्यार जीवित निकलते हैं, एक देते हैं और ये सोइल में बढ़ते फूलते हैं। दूसरा, आदमी जैसे ये फूड को कंटेमिनेट करते हैं, फूड में जाएंगे, उससे हम अगर खाते हैं तो हमारे पेट में ये पलते हैं। आज हम यही कर रहे हैं, हम एक कृमि दिवस मना रहे हैं, इसमें एक अल्बेंडाजोल की गोली खानी है। खाली पेट में गोली नहीं खानी है, गोली लेना है, मुँह में चबाना है, खाली पेट में नहीं लेना है और थोड़ी सी पानी पी के निकल जाना है। बस यही कार्य, यही कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक अल्बेंडाजोल की गोली। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग पहले भी खाए होंगे इस तरह की गोली, वेरी गुड। आज भी यही, आज ये गोली खानी है, अल्बेंडाजोल की एक गोली खानी है, साल में ये दो बार बनाया जाता है, जिससे आप कृमि मुक्त हो। ठीक है, तो बच्चों मतलब ये खाने पे क्यों नहीं खानी है, ठीक है? और ये बहुत सेफ दवा है, इससे कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। तो आज इसी की शुरुआत हमने यहाँ कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की गोली जरूर खाएं, मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के इस आधिकारिक समारोह में मंच पर उपस्थित सिविल सर्जन सिमडेगा कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी शिक्षक गण, शिक्षिकाएं, सभी छात्र छात्राएं, मीडिया के गण, देश में जो बौद्धिक प्रगति हुई है उसकी नींव बहुत हद तक जेसुइट स्कूल्स के द्वारा ही रखी गई है ब्रिटिश जमाने में, जो बाद में फिर हम इंडियंस के हाथ में आ गई और हम लोग उसका सफल संचालन करते रहे। मेरी भी मूल शिक्षा दीक्षा में ऐसे ही एक जेसुइट स्कूल का योगदान रहा,
तो ऐसे कैंपसेस में मैं जब जाता हूँ तो बड़ा अभिभूत हो जाता हूँ। मैंने प्रिंसिपल साहब से आने के साथ कहा कि एक कॉलोनियल बिल्डिंग नजर आ रही है हॉल आपका, तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छी स्थिति नहीं है, हम लोग इसको दूसरे जगह शायद रिलोकेट करेंगे। तो मुझे ये लगता है इससे पहले कि मैं कृमि मुक्ति दिवस पर अपने चंद शब्द कहूँ कि इस बिल्डिंग को ही, ये सब तो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, इसको इसका रख रखाव करने की आवश्यकता है, इसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, और ये बहुत ही खूबसूरत है, इसी खूबसूरती के साथ इसको बनाए रखें, यही मेरी गुजारिश है आपसे। आप जानते हैं, सभी बच्चे अवगत हैं इस बात से कि स्वस्थ मन जब आपका होगा तभी आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, और स्वस्थ मन होने के लिए आवश्यक है कि स्वस्थ शरीर हो, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी होगी। तो स्वस्थ शरीर बनाने के लिए आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आप अपना डेली रूटीन में खेल को डालते हैं, बौद्धिक खेल भी खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं, लेकिन एक जो हम लोगों को बच्चों को खास तौर से पता नहीं चल पाता है कि बच्चों की आंत में जो वर्म्स होते हैं, जो कृमि होता है, वो पैरासाइट है। पैरासाइट वृक्षों में, जो क्रीपर्स आपने देखा होगा कि कोई वृक्ष है, पुराना वृक्ष है, उस पर क्रीपर बहुत सुंदर फूल वगैरह के साथ है, लेकिन आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि वो वृक्ष के ग्रोथ को इम्पीड कर देते हैं वो क्रीपर्स, और खुद तो बड़ा सुंदर उनका ग्रोथ नजर आता है बाहर से हम लोगों को, उसमें फूल पत्तियां जो रहती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो मूल वृक्ष है जिसके आसपास वो उभर के आ जाती है वो उनको, उनके मूल तत्वों को खाने लगती है, उसके ग्रोथ को इम्पीड कर देती है। उसी तरीके से ये जो कृमि है, जो वर्म है, ये हमारे आंत में जाकर के हमारे नॉर्मल ग्रोथ को इम्पीड करता है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो खून जो बनना है, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिशन जो भी चीज हम लोग ग्रहण करते हैं, तो जितना रक्त बनना चाहिए वो रक्त बनने में बाधा करता है और आदमी एनीमिक हो जाता है। बच्चा भी, खास तौर से महिलाएं, ये सब एनीमिक हो जाती हैं, क्योंकि ये जो वर्म्स है वो वर्म्स हमारे शरीर में आंत में प्रवेश करके रहता है, और हम डी वर्मिंग के लिए बहुत सजग नहीं रहते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने, राज्य सरकारों के माध्यम से 20 तारीख आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस रखा है। उसका ये सिमडेगा जिले का आज आधिकारिक समारोह है। 1 से 19 साल के सभी बच्चों को ये अल्बेंडा जोड़ की गोली जो सिविल सर्जन साहब ने बताई वो उसको दिया जाना है, उसको एडमिनिस्टर कराया जाना है। आप लोग ये बात समझते हुए कि हमारा स्वास्थ्य मूलभूत चीज है जिससे कि हम अच्छी पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, ये समझते हुए आप निश्चित रूप से 100% सारे बच्चे आज के दिन में ही इस गोली को ग्रहण करें। वैसे एक मॉपअप राउंड है 29 तारीख को होगा, जिसमें अगर किसी कारणवश छूट गए, जैसे आज एब्सेंट यदि कुछ बच्चे हैं तो वो, या कुछ बीमार होने के कारण नहीं आ पाए, तो वो 29 तारीख को मॉपअप राउंड में वो निश्चित रूप से ले लेंगे। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, आज इस दिवस की शुभकामनाएं हैं, और आपका शरीर स्वस्थ रहे, इस दिवस को जो बेस्ट तरीके से आप सेलिब्रेट कर पाएंगे ये कि आप अल्बेंडाजोल की आज गोली लेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।